आज हम मोटिवेशनल वीडियो देखने वाले हैं। यस, अगर आपने नया नया जिम ज्वाइन करा तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आमिर खान की वीडियो है, फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, कैसे बॉडी को वो मोटापे से तगड़ी बॉडी बनाते हैं। तो आज हम मिक्स मैसिव रिएक्शन इसी चीज पे देखने वाले हैं। अगर आपको मिक्स रिएक्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जवानी में पहलवानी रखते हुए से लेके 42 साल का एक आदमी है जो 52 साल का एक आदमी तक की एक बड़ी सी जर्नी है। आमिर सर ने पहले मुझसे पूछा था कि तुम अपना विजन बताओ कि तुम कैसे देख रहे हो महावीर सिंह को। नीतीश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं आपका जो यंग पोर्शन है वहाँ से शुरू करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। हम पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे है, तो पहले वो कर लेते हैं। अगर मैं यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की। सो पुटिंग ऑन द वेट वाज फन, आई कुड ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर आई वांटेड एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड आई हैड अ बॉल, आई हैव टू से आई हैड अ बॉल। और इट वाज ऑलवेज कंफर्टेबल, इवन माय रेस्टिंग ट्रेनिंग वाज अफेक्टेड बिकॉज़ आई वाज कैरिंग सो मच वेट दैट आई कुडंट रियली मूव फास्ट। You know, your breathing changes when you put on weight. Yeah. You know, whole body language changes. The way you walk, the way you sit, the way you try to stand up, everything changes. जो इनका डेडिकेशन है आमिर सर का, एक टेम्पटेशन ये भी है आपका कि ठीक है आप मेरे को मोटा दिखना है तो मैं फिर बॉडी सूट लगा लेता हूँ। बॉडी सूट में मजा नहीं आएगा, मतलब चलिए शर्ट के नीचे मैं मोटा लगूंगा लेकिन वो फील नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा मुझे। तो मोटापा खत्म, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था, 97 किलोज और 38% बॉडी फैट। मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया क्योंकि अब ये होगा नहीं। जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, वो चीज बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, आप निराश हो जाते हो। पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है। जो भी है सिर्फ आप इस दिन के बारे में सोचो, जो सफर है उसके अंत के बारे में मत सोचो। कब पहुंचूंगा, कैसे डाइटिशियन थे, उनके साथ हम लोगों ने एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, कैलोरिक डेफिसिट डाइट प्लान, 1800 कैलोरी से लेके 2500 कैलोरी तक रिड्यूस टू ऑसिलेट। डाइट इज नंबर वन चेंजिंग योर बॉडी। आप कितनी भी कसरत कर ले अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी कभी वो बहुत थक जाते थे और बोलते थे मेरे से सेट नहीं जाएगा या मेरे से नहीं होगा, आई एम वेरी टायर्ड। सो मैं कहता था कि ठीक है सर हम वेट कम कर देंगे पर हम एक्सरसाइज कैरी करेंगे, बट मैं उस वेट को कम नहीं करता था। सो उस चीज की वजह से उन्होंने जब मार के ये सेट खत्म किया तो मैंने उनको बता दिया कि ये सेट आपने कभी नहीं किया था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू डन इट सो हैवी। और फिर धीरे 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 देखते ही देखते आपकी बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होने Look how huge his shoulders are. When you limit that muscle, he's got such broad shoulders. Like look there. Yeah, his shoulders are so broad. No way. And you notice how there's, you can't see any stretch marks on his body. I don't understand how that happened. No stretch marks. You can see he's so dedicated. He just lost so much weight. Getting into the right shape. So mean, but... He just looks so much better as well. I love this movie. Oh, yeah. That looks like... What happened? How much is he lifting? Patrick, you just... Oh, he helped him.
सुपरस्टार अगर इतने पैशन के साथ इन्वॉल्व होकर आपकी फिल्म में काम कर रहा है तो उससे बेहतरीन बात आपके लिए कुछ और हो नहीं सकती है. That's the best thing for a director. Look at those arms. That's measuring the body fat. 9.67. From 38 to 9.67. You hit the target, sir. Oh my god. 9.6. That photo level. Is that the same person? इसे कहते हैं तगड़े वाली मेहनत. मतलब लिटरली यार कहां वो मोटा शरीर था, कहां वो एकदम पतला तो छोड़ो, बॉडी बन गई थी, मसल्स बन गई थी, एब्स निकल गई थी, तो कितनी मेहनत लगती है. एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा. ओह माय गॉड. आजकल कुछ वो भी आते हैं, कुछ एक ड्रेस भी आती है, अगर आप पहन लो तो आपके सिक्स एब्स लगेगी. मैंने देखी थी एक रणवीर कपूर की वीडियो में, उसने एब्स वाले कपड़े पहन रखे, लेकिन यहाँ लिटरली बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. तो ये तो बहुत ही तगड़ी मेहनत लगती है बॉडी में ना. अगर आप कुछ चेंज लाने में बहुत वक्त लगते हैं, 6-7 महीने लगे थे. तो ये नहीं बताया गया इस वीडियो में कि कितने प्रोटीन के डब्बे खाए गए, तो बताना चाहिए था ये भी यार, होंगे फिर भी. चलो आज की आपको मैं स्मैश रिएक्शन देखने मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते दूसरी वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स.